हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कल के कपड़े सुखाए नहीं थे तो अभी सुखा रही, धूप निकली है। रात में तो अच्छी बारिश आई थी, मतलब कम से कम आधा घंटा पौना घंटा की धूप तो चल रही थी। और कल जो हमारे कपड़े वापस आ गए वो कुरियर से, वो कपड़े भी सारे मैं धोऊंगी। ये सारी लॉन्ड्री बैग पूरा भरा हुआ है, सारे कपड़े जो वापस आ गए नीचे का। दो जीन्स थी अथूकी और अथूकी थी और एक शर्ट था, फिर एक साइकिलिंग शर्ट था, एक कोट सूट था उसकी थी जो वो, और एक मेरा दुपट्टा था। इतने कपड़े थे तो आगे तो मैं अभी उनको भी धो दूँगी। वैसे प्रेस किए हुए थे, यूज़ नहीं किए थे, लेकिन फिर भी इतने दिन से कपड़े आए मतलब, तो एक बार धो के प्रेस करा के फिर रखेंगे। और एक वीक जितना हो गया तो ये मशीन के यहाँ से पानी भी निकाला है, वो भी निकाल देती हूँ। ये यहाँ पर है तो इसको बस ऐसे ही खोल देना है, एकदम आसान है। और ये देखिए, ये अगर ज़्यादा दिन तक पानी इसमें हम रखे रहते हैं तो स्मेल आती है थोड़ी थोड़ी। वैसे तीन चार दिन में, एक वीक में जब भूल जाओ तो 10 दिन में ऐसे निकाल देते हो, फिर स्मेल नहीं आती और लगता है कि अब गंदा हो गया, तो इसको साफ़ भी कर देती हूँ। कल एक्चुअली मैंने बाहर से मशीन साफ़ की थी, लेकिन ये वाला साफ़ करना रह गया था। ये जो साइकिल है ये इस बार व्यू को देखकर भेजूंगी, क्योंकि एकदम नई है पर हाइट बहुत छोटी है साइकिल की, तो व्यू चला लेगा थोड़े टाइम। और अथो के लिए बड़ी साइकिल ले ली क्योंकि उसकी हाइट बड़ी, और फिर उसने चलाई नहीं तो मैं सोचा व्यू चलाएगा, अभी व्यू छोटा है तो चला लेगा थोड़े टाइम। आज मेरी खाने से है छुट्टी क्योंकि खाना बना रही है ध्रुवी, और मैं लेकर आई हूँ एक ही आम लेकर आई हूँ 500 ग्राम जितना अचार बनाने के लिए। और पहले मैं वो मसाले पीस कर बनाती, वैसे बनाया, लेकिन अभी मैं बना रही हूँ साबुत जो मेथी होती है दाने, जैसे ट्रेडिशनली हमारे वहाँ राजस्थान में बनता है अचार, स्पेशली हमारे घर में ऐसे बनता था, ऐसे बनाती थी, तो वैसे वाला अचार। और बहुत अच्छा लगता है, सरसों के तेल में बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, तो वो अचार बनाऊंगी। और मैंने आज बनाए जामुन छट, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाए, बहुत यम्मी बनाए बहुत। और मैंने एक शॉट मतलब तो पी लिया है और दूसरा फ्रिज में रखा है, तो घनश्याम गए बाहर किसी काम से, वो आएंगे तो फिर हम लोग साथ में फिर पियेंगे। और फिलहाल तो खाएंगे ध्रुवी का हाथ का आज डिनर। हम लोग पता नहीं क्या बना रही है, हाँ मैगी बनाएगी हमेशा, मतलब ध्रुवी के हाथ से मतलब मैगी या सैंडविच, दो ही चीज़ खाने को मिल सकती है पई। और फिलहाल मैं छील रही हूँ लहसुन, ये लहसुन की चटनी भी ख़त्म हो गई है, वो भी बनानी है तो लहसुन छीलूँगी। लेकर आई थी मैं अरवी के पत्ते, तो उससे बनाने थे मुझे उसके रोल, जो पात्रा बोलते हैं वो, लेकिन मैं कुछ अलग स्टाइल से बनाने वाली थी तो कल भी टाइम नहीं मिला, आज भी टाइम नहीं मिला। और आज मैंने बनाया ममरे और मकई के चिवड़े का नमकीन, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, मतलब बहुत ज़्यादा। काफ़ी दिनों से मतलब ऐसा था कि कुछ अच्छा खाना एकदम घर का, और चाय मुझे एकदम ऐसे ही कोरी चाय पीना पसंद नहीं है, साथ में कुछ ना कुछ खाने के लिए होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। तो अभी शिल्पा आई थी तो मैंने और शिल्पा ने मस्त भर के कटोरी भर भर के खाया। ये है हमारा नमकीन और इसमें मूंगफली डाली है और मकई का चेवड़ा इसमें डाली है, मूँगफली और मकई का चेवड़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। थोड़ी पिसी हुई चीनी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, नमक, थोड़ी हींग वगार के टाइम पे ममरा में, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। और दिखाती हूँ आपको, अभी स्टार्ट भी नहीं किया तो जामुन शॉट ये देखिए, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाए, बहुत ज़्यादा, मतलब इस बारी का जो मैंने बनाया ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाया, बहुत अच्छे जामुन मिले। क्योंकि होता है ना कि जामुन आपको कैसे मिले,
कई बार जामुन में टेस्ट में थोड़ा फ़र्क होता है तो उतना स्वाद नहीं आता वो भी। और ये लेकर आई थी मैं, इसका सूजी का केक भी बनाना है, काफ़ी सारे काम करने हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे सब कुछ चल रहा है तो होगा। ये देखिए किचन की हालत, क्योंकि आज कुकिंग करने वाली है ध्रुवी, पहले तो सब कुछ फैलेगा उसके बाद कुछ ना कुछ बनेगा। ये है मैगी किंग ध्रुवी। साथ में बना रही हूँ मैंगो शेक अभी, और बस थोड़ी सी मैगी मैं भी खाऊंगी, भूख लगी है मुझे भी तो, और मैंगो शेक बना लेती हूँ, थोड़ी देर बाद पियेंगे, पहले गरम गरम मैगी खाएंगे।